क्या आप भी अपने मोबाइल के बैटरी से परेशान हैं? चार्ज कर कर के चार्ज करते हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और आप परेशान हो चुके हैं कि आपका जो है मोबाइल का डेटा भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, और आपको समझ नहीं आता कि यार 1 GB था, 800-900 MB था, और इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वो सारे सोल्यूशन लेके आया हूँ जिससे आपके बैटरी के बैकअप भी बचेगा, आप चार्ज करते हैं जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ चल गया, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, और आप जो डेटा भरवाते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है कैसे जल्दी जल्दी 1 MB 2 MB में ख़त्म हो गया। आप सोचते हैं कि हम नेट चालू किए हैं तो उसे ख़त्म हो गया, बट मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाता है। मैं आपको ऐसे 3 स्टेप बताने वाला हूँ, अब अगर वो 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बैटरी जो चार्ज करते हैं वही बचेगा, और आपका डेटा है वही बचेगा। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाए आप रोजाना। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ, अगर वो 3 तरीके आप कर लिए तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपके मोबाइल के ही अंदर होता है, वो सेटिंग आप कर लेते हैं तो आपके जो है बैटरी का बैकअप भी बचेगा और आपका डाटा भी बचेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होगा कि पहला सेटिंग आपको करना होगा रीस्ट्रिक बैकग्राउंड डाटा, अगर वो कर लेते हैं तो आपका जो है बैटरी भी बचेगा और डाटा भी बचेगा। दूसरा ऑप्शन है आपको टर्न ऑफ ऑटो ऐप्स, अगर ये सेटिंग कर लेते हैं, ये भी आपको अपने मोबाइल में ही होता है, ये आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका जो है बैटरी बैकअप भी बचेगा और आपका जो है डाटा जो ख़त्म हो जाता है वो भी बचेगा। और तीसरा है टर्न ऑफ लोकेशन, बहुत सारे होते हैं कि लिखते हुए कि जो आपका लोकेशन जो ऑन रहता है, मोबाइल चलाते रहते हैं और वो जो है अनावश्यक जो है आपका जो डेटा है ख़त्म होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये मेरा डेटा है कैसे ख़त्म हो गया और आपका बैटरी भी ख़त्म होता है। तो ये 3 सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका बैटरी भी बचेगा और आपका डेटा भी बचेगा। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे ये लोग हैं जो जिसका मोबाइल का जो है बैटरी और इसका डाटा जो है बहुत जल्दी, बैटरी भी जल्दी डाउन हो जाता है और डाटा भी जल्दी जो है लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जबकि उसका 800-900 1 GB 1.5 GB भरा रहता है, और जैसे ही वो जो स्टार्टिंग करते हैं ना तो उसको जो है बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से ये सीख पाएंगे कि आप अपने जो मोबाइल का बैटरी है उसको कैसे बचाएंगे और डाटा कैसे बचाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर सेटिंग जाना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, रीस्ट्रिक बैकग्राउंड को डाटा को सेटिंग करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डाटा यूसेज का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके मोबाइल में है ना 2 SIM लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 1, 2 पे क्लिक इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखिए कि जैसे मेरा यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ यूट्यूब है, एंड्रॉयड वॉस है, ईमो है, जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ पर जो है रीस्ट्रिक बैकग्राउंड डाटा यहाँ पर ऑन है। अगर आप जब भी जो है डेटा को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि YouTube जो है अनावश्यक बिना मतलब का आपको जो है डेटा को ये खाते रहता है, ख़त्म करते रहता है, आप जो है टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार मेरा डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, अभी स्टार्ट किया अभी मेरा डेटा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन से बचने के लिए अगर आपका डाटा ख़त्म हो रहा है तो ये कोई डाटा तो ख़त्म हो ही रहा है, प्लस आपके बैटरी का बैकअप भी ख़त्म कर रहा है, बैटरी भी आपको डाउन कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है रीस्ट्रिक बैकग्राउंड डाटा जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है, इस तरीके से आप ऑफ करके इसको बैक आ जाना है, और जितने भी यहाँ पर आपको ऑन रहेगा है ना इसको आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से ऑन रहेगा तो आपको यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर जितने यहाँ पर है इसको आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जितने हैं तो देखिएगा कि ये जो ऑन है या ऑफ है, इस पर क्लिक कीजिएगा
और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ मेरा ऑफ है। अगर इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑन रहेगा, यहाँ पर मैं दिखा दूँ इस तरीके से आपको ऑन रहेगा तो यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना, नहीं तो ये अनावश्यक बिना मतलब आपका डेटा भी खाएगा और आपका बैटरी भी खाएगा। इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपको टर्न ऑफ ऑटो ऐप्स का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। आपको प्ले स्टोर कहाँ, तो जैसे मेरे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे प्ले स्टोर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरीके से। अगर आपके मोबाइल में पिक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा हो, थ्री डॉट आ रहा हो, तो आपको जो है यहाँ पर थ्री डॉट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होगा सेटिंग का, सेटिंग वाले पे आप जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में नया जो है यहाँ पे ये तरीके से ये पेज यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल का ऑप्शन है, इस वाले को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जैसे जनरल वाले पे ओके किए हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पे एक आपको सेटिंग मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए ऑटो अपडेट ऐप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका जो है डेटा भी अनावश्यक खा रहा है और आपका जो है बैटरी भी खा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, आपको क्या करना है इस वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ से डन कर देना है। ये करने के बाद जो है आपका जो है डेटा भी नहीं खाएगा और आपके जो है मोबाइल का जो है बैटरी भी लॉस नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आपको टर्न ऑफ लोकेशन। अगर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर अगर इसको आपको इस तरीके से ऑन रहेगा तो आपका जो है लोकेशन ये ट्रेस करता रहेगा अनावश्यक बिना मतलब में, और आपका जो है डेटा भी खत्म होगा और आपके मोबाइल का बैटरी भी खाएगा और डेटा भी खाएगा। अगर आपका इस तरीके से लोकेशन ऑन है तो इसको आपको पहले भैया आपको क्या करना है, इसको जो है ना आपको ऑफ कर देना है, ऑन है तो ठीक है, इस तरीके से आपको जो है इसको ऑफ कर देना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ से आपको लोकेशन को ऑफ करने के लिए सेटिंग में जाना है, सेटिंग में यहाँ पे इसको सेटिंग को ओपन करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे देखिए प्राइवेसी एंड सेफ्टी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोकेशन यहाँ पर आपको ऑन है। इसको आप क्या करना है, आप लोकेशन को आपको इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। यहाँ से भी आपको क्या होता है कि आपको जो है डेटा को ये आपको यूज करता है और अनावश्यक आपके बैटरी को भी ये जो है डाउन करते रहता है, बैटरी को यहाँ पर आपको डिस्चार्ज करते रहता है। तो ये आपको तीन सेटिंग कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और इससे आप मोबाइल की ये सेटिंग करने के बाद है कि आप जो है अपने डेटा को और अपने मोबाइल के बैटरी के बैकअप को आप बहुत ही आसानी से आप जो है इसको स्टोर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में ना पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस अगर आप ये तीन सेटिंग कर लेते हैं तो आप मानिए कि आपका बैटरी बैकअप भी बचेगा, आपका बैटरी जो जल्दी जल्दी डाउन हो जाता है, आप चार्ज कर करके परेशान है और जो जल्दी ख़त्म हो जाता है तो वो भी बचेगा और आपका डाटा भी बचेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।